आप सभी का अधिवक्ता पंजीकरण के वीडियो ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। एक अधिवक्ता जिनका CIS डेटाबेस में अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वह अपना पंजीकरण CIS डेटाबेस में कैसे कर सकते हैं, यह विधि आपको विस्तार पूर्वक इस ट्यूटोरियल में बताई जा रही है। ऐसे अधिवक्तागण जिनका नाम CIS डेटाबेस में पंजीकृत नहीं है, उन्हें अपना नाम CIS डेटाबेस में पंजीकरण कराने हेतु उन्हें सबसे पहले पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने होंगे। पंजीकरण फॉर्म दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वे तरीके निम्न प्रकार हैं। पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन, जिनकी विवरणी नीचे दी गई है। ऑनलाइन उपयोगकर्ता के लिए पहला चरण, जिला न्यायालय के वेबसाइट पर जाएं, जो कि https://district.ecourts.gov.in/district name, जिला का नाम, जिस जगह आप अपना प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम दर्ज करें और एंटर करें। दूसरा चरण, जिला न्यायालय की वेबसाइट के निचले बाएं कोने पर पंजीकरण के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तीसरा चरण, वहाँ से एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें। सही एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें। तत्पश्चात अधिवक्तागण अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरकर उसे न्यायिक सेवा केंद्र पर जमा करेंगे। न्यायिक सेवा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी CIS में अधिवक्तागण का विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करेंगे। विवरण भरने के बाद अधिवक्ता का नाम CIS डेटाबेस में पंजीकृत हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑफलाइन उपयोगकर्ता के लिए, जो अधिवक्तागण ऑनलाइन अधिवक्ता पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन अधिवक्तागण के लिए वे अधिवक्तागण सीधे न्यायिक सेवा केंद्र पर कार्यालय दिवस के दौरान जाएं और वहां से अधिवक्ता पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें। तत्पश्चात अधिवक्तागण अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक पंजीकरण फॉर्म में भरेंगे एवं सभी विवरणी भरने के बाद अधिवक्तागण अपने पंजीकरण फॉर्म को न्यायिक सेवा केंद्र पर जमा करेंगे। न्यायिक सेवा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी CIS में अधिवक्ता का विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करेंगे। विवरण भरने के बाद अधिवक्ता का नाम CIS डेटाबेस में पंजीकृत हो जाएगा और इस प्रकार अधिवक्ता पंजीकरण का सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।